सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो जब पैदा हुए, मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, हुसैन को हाथों पे उठाया, पूछा फातिमा इस बच्चे का नाम क्या रखा, कहा अली से मालूम कीजिए, फरमाया अली इस बच्चे का नाम क्या तजवीज किया, कहा सोचा है इसका नाम शब्बीर हो। हुजूर ने फरमाया मैं अल्लाह से ना पूछ लूं इसका नाम वो क्या रखता है, अभी ये कहा ही था कि जिब्रील आ गए। खुदा कहता है महबूब तुम्हारे कहने से पहले हमने खुद नाम तजवीज कर दिया है। पूछा क्या नाम अल्लाह ने तजवीज किया, फरमाया हुसैन, जिसका नाम खुद खुदा रखे उसकी अजमतों का क्या कहना। हुसैन का मादा है हुसन, लफ्ज़े हुसैन बना है हुसन से, बड़ा भाई उसका नाम था हसन और हसन का माना है हुसन, हुसैन का माना हसीन। हुसैन इंसानों में इस तरह बुलंद नजर आता है जिस तरह पहाड़ों में हमालिया बुलंद नजर आता है, उनका अजम और उनकी हिम्मत हमालिया की चोटियों से ज्यादा बुलंद, पहाड़ों से ज्यादा मजबूत अजम था। इकबाल कहते हैं सैयदना इमाम हुसैन की शान बयान करते हुए, खूने ऊ तफसीर ई असरार कर्द मिल्लत खाबीदा रा बेदार कर्द। हुसैन पाक ने इन असरार और आयात की इस तरह तफसीर की है कि अपने नाने की सोई हुई उम्मत को बेदार कर दिया।